थोड़ा सा ऐसे जाओ ना, शिफ्ट हो जाओ ना थोड़ा, चलो रेडी रोल 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 क्लोज क्लोज में रेडी रोल, चलो रेडी मारो चलो क्लोज नहीं, समझौता अब तक हुआ नहीं है। बहुत प्रॉब्लम्स जो अभी शुरू हुई थी वहाँ पे, कार्तिक पागल हो गए थे, वो पुलिस स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे पता चला कि नायरा अक्षरा जी के एक्सीडेंट स्पॉट पे है। और फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ नायरा वहाँ पहुँचती है, उसे सब अचानक सब याद आ जाता है, सारी फ्लैशेस आते हैं उसको, वहाँ पे बहुत रोती है। और इतने में वहाँ पे कार्तिक भी आ जाते हैं, कार्तिक नायरा से बोलना चाहते हैं, नायरा को बताना चाहते हैं कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पर वो हिम्मत नहीं कर पा रहे क्योंकि नायरा की सिचुएशन देख के। फिर नायरा से कार्तिक बात करने की कोशिश करते हैं, पर नायरा वहाँ से चली जाती है। अच्छा, वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री करती है आप वो पेपर के साथ है, उसे देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि माफ़ कर दिया है, माफ़ी मांगने का असर जो है। दिस इज़ द वेरी नेक्स्ट डे जो सारे ड्रामा हुआ है, उसके बाद अगले दिन कार्तिक अपनी बहन का हाथ पकड़ के यहाँ लेकर आते हैं कि अभी जो भी सज़ा देनी इन्हें दे सकते हैं, हमें मंजूर है, पूरी गोयनका की फैमिली यहाँ पर है, हम सबको मंजूर होगा जो भी सज़ा नायरा देना चाहती होगी। और फिर नायरा वॉक करके आती है, नायरा इससे पहले पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पे केस बंद करने के लिए नायरा कहते हैं, क्योंकि अब उसे लगता है कि जिस कश्यप जो है वो गुनहगार है नहीं, तो बेचारे को क्यों सज़ा मिले, तो उसे छुड़वाती है, वही पेपर्स लेके नायरा यहाँ जाती है और केस बंद करने के लिए कहती है। तो कार्तिक की फैमिली, मेरी फैमिली अभी सब नॉर्मल हो गया, नायरा भी कहीं ना कहीं नाराज़गी से ज़्यादा नायरा हर्ट, तो उसे वो ही होने में तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। कार्तिक को भी नायरा यही कहती है कि मुझे टाइम चाहिए, दिल पे पत्थर रख के मुँह पे मेकअप कर लिया। ऐसी जो भी है वो सिचुएशन में तो नायरा ने फॉरगिव कर लिया कि नहीं ठीक है, इंसान से हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी बड़ी बात है, तो जो कार्तिक नायरा के बीच जो दूरियाँ आई हैं वो अभी भी मेंटेन है, वो अभी भी उनसे बिना बात किए बिना हक किए निकल जाती है, जो स्विंग शूट करने में नायरा जी को बहुत मज़ा आया। कैसे फील हुआ आपको शूट करना? हम शूट कैसे, हम लोग वो सीन आपको हम एक बार शूट करके दिखा। थोड़ा सा पढ़ा है मैंने आगे शायद। थैंक यू सो मच।